नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। अभी हम हैं मुंगेर में और अभी हम आए हैं यहाँ पर मटन टेस्ट करने के लिए और मुर्गा भी टेस्ट करेंगे। वैसे बहुत टाइम हो गया है, देखते हैं मटन बचा है कि नहीं। वैसे अगर मुर्गा बचा होगा तो वही टेस्ट करके आपको बताएंगे। और अभी हम हैं यहाँ पर स्वर्णकार होटल के पास। पीछे देख सकते हैं कितना ज़्यादा भीड़ लगा हुआ है खाने के लिए। तो देखिए यहाँ का हम लोकेशन आपको समझाने का कोशिश करते हैं। अभी हम हैं मुंगेर में खड़गपुर पे, ये तारापुर मोड़ के थोड़ा इधर है और यहाँ पेट्रोल पंप है, उसके सामने थोड़ा और इधर आइएगा तो यहाँ पे ये दुकान है, देख सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करते देखते हैं यहाँ पे मटन बाकी है, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। अभी गर्मी भी देख सकते हैं बहुत ज़्यादा है। आइए यहाँ के ये भैया से बात करते हैं, यही भैया के यहाँ पे सब कुछ करते हैं, ओनर है। तो भैया मटन बाकी है? नहीं, मटन ख़त्म हो गया। ख़त्म हो गया, मतलब देख सकते इतना ज़्यादा भीड़ रहता है खाने का, मटन का सेलिंग इतना ज़्यादा होता है कि ख़त्म हो गया। आइए आपको मटन दिखाते हैं कितना बाकी है। देख सकते हैं मटन बहुत ही दो पीस ही बाकी है। तो गाइस हम आपको चिकन दिखाने का कोशिश करते हैं। वैसे मटन तो ख़त्म हो गया, अभी हम लोग चिकन ही ट्राई करेंगे। तो देख सकते हैं ग्रेवी कितना अच्छा दिख रहा है, कितना टेस्टीदार है, जायकेदार है। और यहाँ पे मीट का साइज़ भी देखिए बड़ा बड़ा है। तो ज़्यादातर तो ख़त्म हो गया क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है। तो आइए इनसे थोड़ा पूछते हैं, भैया कैसे बनाते हैं मीट को? मतलब चिकन, पहले प्याज को हम लोग गला देते हैं अच्छे से जी, उसके बाद फ़ौरन जी, फिर मतलब जो भी मसाला वसाला रहता है सब हम लोग अपना खुद से देते हैं, मिल का पिसाया हुआ, पाउडर कुछ नहीं, हमेशा ऐसा ही बनता है। हमेशा ऐसे ही बनते हैं, कुछ नहीं, मतलब सब चीज़ हम लोग खुद का ही देते हैं। पानी का भी यूज़ करते हैं? पानी उतना नहीं, एकदम हल्का हल्का पूरा भुंजा हुआ। वैसे देखने में भी ग्रेवी बहुत अच्छा लग रहा है, चिकन भी बहुत अच्छा लग रहा है। कब तक दुकान चलता है? रात 9 बजे तक। सुबह कितना बजे खुलता है? 6 बजे। छः बजे। ये तो कितना केजी बनाते हैं चिकन? चिकन 8 केजी चिकन बनता है। मटन? मटन 6 केजी। सब बिक्री हो जाता है? हाँ। दोबारा बनाना भी पड़ता है? हाँ, अगर वैसे ऑर्डर उडर आ गया तो बना देते हैं। ये ऑर्डर भी आता है बनाने के लिए। देख सकते हैं यहाँ फिलहाल चिकन भी ख़त्म ही होने वाला है, अभी पैकिंग हो रहा है चिकन का। अभी इतना ज़्यादा लोग लेके जा रहे हैं, ज़्यादा बचा नहीं है, तो जल्दी जल्दी हम भी अपना एक प्लेट लगाते हैं, यहाँ के टेस्ट को आपको बताते हैं कैसा यहाँ का टेस्ट रहता है। देख सकते हैं भैया अभी एक मटन खा के बैठे हुए हैं। मटन खाए? मटन कैसा लगा? स्वाद अच्छा लगा। अच्छा लगा। कितना फुल प्लेट लिए थे? हाँ। कितना दिन से खा रहे हैं? खा रहे हैं 6 महीने से। 6 महीने से खा रहे हैं। 6 महीने से अक्सर आते हैं। क्या खा रहे हैं अंकल? मीट रोटी। मीट रोटी, चावल। क्या बोले? मीट चावल रोटी। क्या क्या खाते हैं यहाँ पर? यहाँ मीट और मुर्गा, मतलब जो जो मिलता है वो सब खा लेते हैं। कब से खा रहे हैं? 6 महीने से। 6 महीने से कंटिन्यू आते हैं? कंटिन्यू। टेस्ट कैसा लगा? अच्छा है। अच्छा है। तो मुंगेर में और सब जगह भी खाते होंगे, तो वहाँ यहाँ से यहाँ पे कैसा टेस्ट लगा? टेस्ट अच्छा लगा, तो बहुत दिन से आते हैं। सकते हैं मेरे लिए प्लेट लगाया जा रहा है, यहाँ देखिए पत्तल पे प्लेट लगाया जा रहा है मेरे खाना लिए, और यहाँ पे मनपसंद पीस दिया जा रहा है जो हम खाना चाहते हैं। तो अभी तो ज़्यादा नहीं बचा है, तो आप ये वाला, हाँ वही, यही वाला दे दीजिए। हाँ, तो गाइस देख सकते हैं अभी चिकन ख़त्म हो गया है, और जैसे ही ख़त्म हुआ है तुरंत में चूल्हा जलाने का तैयारी हुआ। जैसे यहाँ पे गांव टाइप का चूल्हा देख सकते हैं, कोई गैस सब वाला जो होता है चूल्हा वो नहीं है, एकदम लकड़ी से बन रहा है। तो गाइस चलिए अभी हम आपको चावल का क्वालिटी दिखाते हैं कितना अच्छा है। देख सकते भाई भात का क्वालिटी कितना अच्छा है, बड़े से हांडे में भी बनाया जाता है। देखिए हाँ, गर्मा गर्म एकदम भाप निकल रहा है, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा लेकिन बहुत गर्म है और पूरा फ्रेश, ऐसा नहीं कि बंद गया है चावल, पूरा फ्रेश चावल है। तो गाइस देख सकते हैं अभी मेरे लिए प्लेट लग चुका है, तो अभी आइए दिखाते हैं क्या क्या प्लेट में दिया गया है। देखिए इतना सारा भात है जो कि बहुत ज़्यादा है, खा तो पाएंगे नहीं, अलग से सलाद दिया गया है और एक पीस दिया गया है अपना मनपसंद पीस दिया गया है, ऐसा नहीं कि वो खुद से देंगे, खुद से मतलब पूछते हैं क्या चाहिए नहीं चाहिए, तो पीस दिया गया है। तो आइए हम टेस्ट करते हैं इसको, तो आपको बताया कि इसका स्वाद कैसा रहता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे ग्रेवी सब है पहले से, और ऊपर से भी ग्रेवी ले सकते हैं, ऊपर से भात भी ले सकते हैं। आपको टेस्ट बताते हैं कैसा रहता है यहाँ का। एक नंबर टेस्ट है भाई, गाइस बहुत अच्छा टेस्ट है, चिकन का एकदम स्वाद आ रहा है। जैसे चिकन भात खाते हैं ना हम लोग, कहते हैं चिकन भात खा रहे हैं और चावल मीट, एकदम वैसा टेस्ट आ रहा है।
ऐसा अलग नहीं, ऐसा अलग नहीं लग रहा। और ये चूल्हा पे बनता है, लकड़ी से बनता है, ऐसा नहीं कि गैस से बनता है, तो अलग टेस्ट आया, एकदम घर वाला स्वाद आ रहा है, घर से भी अच्छा आ रहा है। तो अब हम और एक दो कोर खा के देखते हैं कैसा टेस्ट लगता है। एक नंबर टेस्ट है गाइस, बहुत अच्छा। दोपहर का टाइम है, बहुत ज़ोर से भूख भी लगी थी और टेस्ट भी बहुत उभर उभर के आ रहा है। अब थोड़ा हम चिकन का पीस ट्राई करते हैं और आपको बताते हैं कैसा इसका टेस्ट रहता है। देखते हैं गाइस, पीस भी इतना बड़ा पीस है, सीधा हुआ है, देख सकते हैं गाइस आराम से टूट रहा है। तो इसको अब हम चावल के साथ खाते हैं और आपको बताते हैं कैसा लगता है। एक समझ गए, पूरा दांत में ख़त्म हो जा रहा है, ऐसा नहीं ज़्यादा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है खाने में। तो गाइज एक बात बोलना था कि गाइज ये मेरा फूड ब्लॉग का पहला वीडियो है, अगर वीडियो में मैं हकला रहा हूँ या फिर बोल नहीं पा रहा हूँ तो आप उतना बुरा दिल पे बुरा मत मानिएगा और समझिएगा थोड़ा। तो गाइज जल्द जल्दी से हम यहाँ का खाना को ख़त्म करते हैं, अपना प्लेट ख़त्म करते हैं, बहुत ज़ोर से भूख लगी। और यहाँ का एड्रेस हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, यहाँ का मोबाइल नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और स्वर्णकाल होटल, जब भी आप मुंगेर विजिट कीजिए तो एक बार ज़रूर आइए यहाँ पर खाने के लिए, जो भी चिकन के शौकीन है या मटन शौकीन, यहाँ मटन भी बहुत अच्छा मिलता है जो कि अभी ख़त्म हो गया है, बहुत ज़्यादा बिकता है यहाँ पर, इसके वजह से ख़त्म हो गया है। तो गाइज़ अब वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो उसके लिए अब हम वीडियो को ख़त्म करते हैं। और इसी तरह का वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो गाइज़ हम फिर मिलते हैं अब नए लोकेशन और नए टेस्ट के साथ।